haven't hit it already. Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch, that's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में. तो हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को इसकी, और डार्क में बहुत ज़्यादा बढ़िया है हेडलाइट. और कहीं भी इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को ऐसा लगे कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम है या फिर. और हेलोजन, अगर जैसे कि आप इसी बाइक के रेंज में जाते हैं अपाची की तरफ और अपाची और पल्सर की तरफ, तो पल्सर में इतनी अच्छी आपको हेडलाइट नहीं मिलती है, हेलोजन मिलती है यहाँ पे आपको, फिर भी LED मिलती है. और अगर आप चाहते हैं इसकी वॉक अराउंड वीडियो देखना, तो आप ऊपर आई का ऑप्शन आ रहा होगा, आप ज़रूर देखिए. जब बात करते थे गियर शिफ्टिंग में, तो गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया है पल्सर के मुकाबले. और अपाची से तो मैं नहीं कहता, अपाची की तरह है पर गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इसकी स्मूथ है और कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है. और सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को इसकी एक चीज़ अच्छी लगी कि इसके अंदर जो गियर चेन की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है मुकाबले पल्सर के. और सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसके कम्फर्ट की, तो कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. और जिसका सीट क्वालिटी है वो थोड़ी सी हार्ड है मुकाबले पल्सर के और इसकी रेंज में जो भी बाइकें आती हैं. बात करते हैं अब इसके राइडिंग पोस्चर, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है लॉन्ग राइड के लिए. और जैसे कि आप देख सकते हैं KTM ड्यूक वगैरह में इनमें इतना अच्छा नहीं मिलता, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल मिल जाता है आपको और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी. और ज़्यादा से ज़्यादा आप सामान रख सकते हैं. पर हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पीछे वाले बंदे के लिए जगह थोड़ी सी कम है और थोड़ा सा आगे को जाता है बंदा, बाकी सब सही है. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसके पिकअप के बारे में, तो पिकअप हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके उठता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. मतलब कि जैसे उठना चाहिए 160 सीसी में वैसे नहीं उठ पाता है, और मतलब थोड़ा सा दब के उठ रहा है. सो फ्रेंड्स, जब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में, तो फ्रंट टायर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पतला लगा इसका. और मेरे को इसकी एक डिसएडवांटेज लगी, ये थोड़ा सा और चौड़ा भी हो सकता था और काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड भी हो सकता था, जिससे कि अच्छी ग्रिप मिले रोड पर. और कॉर्नरिंग में ये थोड़ा सा कम हो जाती है बाइक. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, मेरे को मिल जाती है आगे वाली. भले से ABS नहीं है यहाँ पे, कंपनी वाले ABS दे सकते थे, भले से इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते, तो ABS आजकल हर बाइक में आने लगी है. तो यहाँ पे कंपनी वाले एक ये मेरे को एक डिसएडवांटेज लगी कि यहाँ पे हमें ABS दे सकते थे. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को. और जहाँ पे ऐसे टेलीस्कोपिक मिलता है हमें और मोनो मिलता है पीछे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा. जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमें मोनो मिल जाता है, मोनो सस्पेंशन, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही है. बाकी इस बाइक के रेंज में और कहीं भी ऐसे नहीं मिलता है, जैसे कि पल्सर में यहाँ पे डुअल सस्पेंशन मिल जाता है आपको, तो मोनो नहीं मिलता. तो मोनो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को एडवांटेज लगी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा. और कम्फर्ट इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बस पीछे वाले बंदे को थोड़ी सी दिक्कत होती है. फ्रेंड्स, बहुत लोग कहते हैं कि इसके टंकी में पानी चला जाता है और फिर टंकी में दिक्कत आई थी, तो आज मैं वो पूरी बात क्लियर करने वाला हूँ. चलिए शुरू करते हैं. तभी मैं फाइन डालने वाला इसके टैंक पे, और टैंक अभी लॉक है. देख सकते हैं मैंने इसके भी टंकी में पानी डाला है, और देखते हैं अंदर पानी गया कि ये पल्सर की तरह इसका लॉक या फिर नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, अभी इसको हम कर लेते हैं पूरा, पूछ लेते हैं अच्छे से. सो फ्रेंड्स, टंकी अभी पूरी अच्छे से पूछ लिया, अभी खोलने वाले हम, देखते हैं कि अंदर पानी जाता है कि नहीं आता. सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका भी टैंक पल्सर की तरह है, तो इसके अंदर पहले पानी जाता है और फिर होल से निकल जाता है. सो फ्रेंड्स, इसको भी आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि पानी बड़ी आसानी से चला गया इसके अंदर. बात करते हैं इसके एवरेज के बारे में, तो एवरेज हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है. सिटी में हमें मिल जाती है एवरेज 45 की एवरेज, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया है मुकाबले पल्सर वगैरह के या फिर और भी इस बाइक के रेंज में बाकी बाइकें आती हैं. तो एवरेज इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और अगर आप हाईवे पर चलाते हैं तो आपको 50 तक दे सकती है, बाकी वो सब चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है. सो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह की वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप देखना चाहते हैं एक्सप्लेड के ऊपर और भी वीडियो,
सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे।